नमस्कार। भारतीय लिपि सीखने के लिए आपकी जो इच्छा है वो बहुत प्रशंसनीय है। अभी तक हम स्वर, व्यंजन, 12 कड़ी और छोटे छोटे शब्द, 2 अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला कैसा लिखना सीखा था। आज हम सीखेंगे कोई भी बड़ा शब्द दिया गया तो भारतीय लिपि में हम उसको कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे महानदी लिखेंगे। महानदी लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, माँ भारतीय लिपि में कैसा लिखते देख लीजिए इधर। तो ये माँ पहले लिखेंगे, ये एम की जैसा लग रहा है। फिर हा, तो हा कैसा है देखो इधर। ठीक है, तो वो भी मैं इधर लिख रहा हूँ, ये बन गया महा। लेकिन हमको चाहिए महा, तो देखेंगे आ आ कैसा लिखते हैं। जब आ आ बोल रहे ना, आ में पहले आ लिखा, उसके ऊपर एक डैश लगाया। फिर 12 कड़ी में हम सीखा था कक्का की वैसा लिखे, तो लिखते वक्त हम ये स्वर के जो आ रूप है वो रूप के बदले हम जो व्यंजन की 12 कड़ी चाहिए उसका रूप लगा रहा है। तो इसके हिसाब से देखा गया तो हम हा के ऊपर एक डैश लगाना, तो ये बन जाएगा महा। फिर आप लिखना है नदी, ना, तो ना कहाँ है देखो, ना इधर है, तो इधर है, ये हुआ महान, महाना। तो नदी चाहिए ना, त त द, तो देखो इधर त त द, तो पहले आप लिखो ऐसा, ये बन गया महानता। जब आप इधर एक डैश नीचे लेफ्ट साइड में लगाते हैं, ये बन गया महानदा। आपको महानदी चाहिए तो आ आ इ ई, ठीक है, सिर्फ महानदी चाहिए तो आ आ इ, तो सिर्फ ई के पास रुको, तो आ के ऊपर शून्य लगाया गया। तो 12 कड़ी में आप कक्का की देखे तो का के ऊपर शून्य लगाया गया, वैसे ही इधर दा के ऊपर, ठीक है, सेंटर में आप छोटा शून्य लिखे तो ये बन गया महानदी। ठीक है, तो और एक देखेंगे, उत्कर्ष, उत्कर्ष, तो उत्कर्ष लिखना है तो पहले ऊ देखो, ऊ कैसा है इधर है देखो ऊ, ठीक है ना, तो ऊ सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम वाला, तो पहले ऊ लिख लो। फिर उत्कर्ष देखो, उत बोले तो ता लिखना है, ता लिखना है, तो ता कैसा है देखो, तो ये बन गया उता। लेकिन आपको उत्कर्ष, तो उत, तो ता आधा ही बोल रहा है, तो आप इधर देखे तो स्वर में हम सीखा था स्वा, तो स प्लस वा, स, वो सा को हम आधा ही बोल रहा है, वैसे ही इधर उत्कर्ष में भी उत बोल तो वह ता आधा ही बोल रहा है। तो जब आधा बोल रहा है आपको इधर दिख रहा है, जब हम स्वर में एस के ऊपर, एस के जो रूप है सा के रूप में ऊपर डॉट लगाया, वैसे ही इधर ता के ऊपर एक डॉट लगाना, अब ये बनेगा उत। फिर कर्ष, तो का कैसा लिखते हैं हमको मालूम है इधर, ठीक है, तो हम वो लिखेंगे, ये बन गया उत्का, ये बन गया उत्का। फिर ऋष, तो मैं क्या करूंगा, रा लिखूंगा, क्योंकि रा को हम इंग्लिश के आर के रूप में लिखते हैं भारतीय लिपि में, तो ये बन गया उत्करा। ठीक है, मैं ये का को थोड़ा अच्छा लिखूंगा, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये का को थोड़ा अच्छा लिख लूंगा, ठीक है, हाँ उत्का, ठीक है। फिर ऋष, उत्कर्ष, ऋ, जब आप रा को आधा ही बोल रहा है उसके ऊपर हम आप एक डॉट लगाना पड़ेगा, रा के ऊपर एक बिंदी लगाना पड़ेगा रा के ऊपर, तो ये बन गया उत्कर। फिर शा, शा कैसा लिखते देखो इधर आप, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं एस के रूप लिखना है पहले, फिर उसके नीचे दो लाइन आते हैं, ठीक
है, तो ये बन गया उत्कर्ष, ठीक है ना। तो ऐसा आप कोई भी शब्द दिया गया तो उसको आसानी से भारतीय लिपि में लिख सकते हैं। भारतीय लिपि सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतीय लिपि को प्रैक्टिस करते रहिए और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। धन्यवाद।